वाद विवाद विष घना, बोले बहुत उपाद, मौन गए सबकी सहे सुमिरे नाम अगाध। इस दोहे में कबीर दास जी हमें कह रहे हैं कि वाद विवाद जब बढ़ने लगे तब मौन हो जाना चाहिए। मतलब अगर नॉर्मल भाषा में आपसे बात करें तो जब आपके डिस्कशंस मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट्स की ओर जाने लगे तब चुप हो जाना सबसे अच्छा होता है। ज्यादातर झगड़े तब होते हैं जब हमारा खुद पर, खुद के वर्ड्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता। बोल के बाद में रिग्रेट करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि हम उन मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट्स के टाइम चुप हो जाए। ये सिर्फ आपके झगड़े ही नहीं कम करेगा, आपके बिहेवियर और पर्सनालिटी को भी और अच्छा करेगा। लेकिन चुप हो जाने का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप गलत सहे। जब कुछ गलत हो रहा है तब भी आवाज ना उठाए, नहीं। मौन रहने वाले व्यक्ति की ये खासियत होती है कि वो कम बोलता है, पर जब भी बोलता है बिल्कुल सही बोलता है, सही समय पर बोलता है और टू द पॉइंट बोलता है। और वो वहां नहीं बोलता जहां सच से किसी का लेना देना नहीं है, बस खुद को जिताने से मतलब है। क्योंकि ऐसे लोगों के सामने बात करके कोई फायदा नहीं, वो आपकी बातों को समझना ही नहीं चाहते। वो भले ही आपको सुनेंगे पर इसीलिए नहीं कि आपकी बात को समझ सके, पर इसीलिए कि तुरंत खुद उसका जवाब दे सके। तो ऐसे समय में चुप रह जाना ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात जो आज के टाइम पे एक फैक्ट है कि हर वक्त बिल्कुल सच बोलना इज नॉट पॉसिबल। तो क्या करें, झूठ बोले? नहीं, झूठ बोलने से कई अच्छा है कि उस वक्त चुप रह जाओ। किसी रीजन से हमें दो कान और एक मुंह दिए गए हैं कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। जब आप किसी ज्ञानी नॉलेजेबल इंसान के सामने बैठे हैं तब तो चुप रहना एक वरदान के जैसा है। उनको जितना सुन सके, उनसे जितना सीख सके उतना अच्छा है। और जब किसी मूर्ख के सामने बैठे हैं तब भी चुप रहना सबसे अच्छा है, क्योंकि उसे आपके सच से कोई लेना देना नहीं है। और मूर्ख का मतलब कत्ते ये नहीं होता कि जो पढ़ा लिखा नहीं है। मूर्ख उसे कहते हैं जो ज्ञान लेना ही नहीं चाहता, जो सिर्फ खुद को सबसे ज्ञानी समझता है और बाकी सबको गलत समझता है, वो व्यक्ति मूर्ख माना जाता है। और ऐसे मूर्खों के सामने चुप रहना यानी अपनी इज्जत करना होता है।